हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ Node.js एंड MongoDB। तो कंप्लीट एक REST API बेस्ड प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे थोड़ा सा मैं इसमें ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। चलते पोस्टमैन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साइड में ये सारे APIs जो है हम इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि बात करें स्टार्ट में हम ऑथेंटिकेशन से शुरू करेंगे जिसमें लॉग इन रजिस्टर रहेगा विद टोकन। उसके बाद में फिर यूज़र अपने प्रोफाइल पर काम कर सकता है, अपडेट यूज़र, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो ये सारे APIs भी हमने इसमें कवर किए हुए। और साथ ही में इसके बाद में है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की APIs है, फिर उसके अंदर कैटेगरीज है, फिर उसके बाद में फूड्स पर हमने काम किया हुआ है और उसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर्स। तो ये सारे REST APIs हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। तो ये कम्प्लीट CRUD प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, हैशिंग, टोकन ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन पर काम करेंगे। इसका कोई भी फ्रंट एंड नहीं है, जो भी हम इस पोस्टमैन टूल पर ही टेस्ट करने वाले फ्रॉम द स्क्रैच। और सारा का सारा कोड भी आपको गिटहब पर मिल जाएगा, इनकेस कुछ भी एरर आता है तो वहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, नीचे कमेंट करें कि क्या इशू आ रहा है, तो हम उसको जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ में आप क्या करें, पहले शुरू यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और भी अगर कुछ क्यूरी है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टू मोर लिंक्स है, इस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम देखने वाले, बेसिक से लेके हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ये Node.js का प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले आपको जो है Node.js को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप जो है Node.js.org की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक रहेगा LTS वर्जन और सेकेंड वाला रहेगा करंट वर्जन। करंट का मतलब क्या है, ये लेटेस्ट रहेगा, जो भी एडवांस फीचर्स है या फिर इसे कह लीजिए आप ये बीटा वर्जन होता है, और LTS मतलब ये स्टेबल वर्जन होता है। तो आप क्या करें, स्टेबल वर्जन को यहाँ से डाउनलोड करें क्योंकि इसमें आपको जो है बग्स देखने नहीं मिलेंगे, करंट में हो सकता है बग्स भी देखने मिल जाए। तो इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिर्फ आपको डाउनलोड बताता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, MSI की छोटी सी फाइल रहेंगी, मैं भी विंडोज पर हूँ तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करने का ऑप्शन पूछेगा, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है विजार्ड देखने मिल जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं जो इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद में आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको सिर्फ टाइप करना है Node-V। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी सिस्टम में 18.15 इंस्टॉल है और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2010 का वर्जन अवेलेबल है। तो आपके टाइम पे जो भी यहाँ पर स्टेबल वर्जन शो कर रहा है यानी LTS वर्जन जो भी रहेगा आपको उसको डाउनलोड करना है। मेरे पास पुराना इंस्टॉल है तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेक श्योर LTS वर्जन ही आप डाउनलोड करिए। करंट वाले में इशू हो सकते हैं तो करंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ में एक पैकेज मैनेजर भी आपको आता है जिसे हम कहते हैं NPM, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। NPM-V करके 9.5 का अभी वर्जन है और हो सकता है यहाँ पर 2010 के साथ में कोई अदर वर्जन भी आपको देखने मिल सकता है। सो मेक श्योर एटलीस्ट 9.5 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर REST APIs को क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस की मदद से। अब Express.js क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है Node.js का, जैसे JavaScript का फ्रेमवर्क है React, Angular, उसी तरीके से Node.js का फ्रेमवर्क है Express, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, REST APIs को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप सिर्फ Node.js की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले, REST API बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस के साथ में जो है REST APIs क्रिएट कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, आप चेकआउट कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे Node.js API लाइब्रेरीज तो आपको काफ़ी सारे लाइब्रेरीज वहाँ पर मिल जाएंगे। हम यहाँ पर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे और अभी इसका वर्जन है 4.18, हो सकता है इन फ्यूचर जो है आपको इसका वर्जन जो है ज़्यादा देखने मिले, तो आप
उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। REST APIs का मोस्ट ऑफ द कोड तो सेम रहेगा, माइनर चेंजेस रहेंगे, अगर कुछ होता भी है तो मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद में हम यहाँ पर डेटाबेस के लिए MongoDB डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। ये एक NoSQL डेटाबेस है, यानी अगर आप SQL से फेमिलियर है तो उसमें टेबल और कॉलम के फॉर्म में हमको डेटा मिलता है। MongoDB में हमारे पास क्या है, NoSQL में यानी की वैल्यू पेयर्स में, यानी जेसन ऑब्जेक्ट अगर आपने देखा होगा ना, उसी फॉर्मेट में जो है डेटा हमारा सेव होता है। की वैल्यू पेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, की बना के उसके अंदर कोई भी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अब कैसे कराएंगे वो हम आगे देखेंगे। आप चाहे तो इस पर भी अकाउंट बना के रख सकते हैं, 512 MB हमको इसमें फ्री मिलता है, तो फ्री टीयर इनफ है, उसमें काफ़ी सारी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रोडक्शन पर भी ठीक ठाक है, 512 MB बहुत होता है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने के लिए जो है NPM.js का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर आपको कोई भी पैकेज यहाँ पे सर्च करना है तो आप NPM.js का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्रेस सर्च कर लेता हूँ, तो देखिए एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। सेम डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन कमांड, ऑफिशियल रिपोजिटरी और होम पेज, कितना वीकली डाउनलोड्स है, वर्जन क्या है, किस कितना इशू है इसके अंदर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। सो हर पैकेज को आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है कैसे ये काम करता है, तो आप उसके हिसाब से भी फिर उस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे हमारी REST APIs को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो क्लाइंट हमको लगेगा, और क्लाइंट के लिए आपको रिएक्ट या फिर एंगुलर आना चाहिए। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम हमारी REST APIs को टेस्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर इसको भी डाउनलोड करिए, विंडोज़ पर है तो विंडोज़ के लिए, फिर मैक पर है तो मैक के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है इंटरफेस आपको नज़र आएगा, यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, गिटहब पे हमारे कोड को डिप्लॉय करेंगे। सो मेक श्योर आप इस पर अकाउंट बना के रखें, और ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई बात नहीं, लास्ट में जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही में कोई भी फ्री होस्टिंग सर्वर पे हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे, यानी कनेक्ट करेंगे, और एक्चुअल में हमारी जो भी एप्लीकेशन है उसको लाइव टेस्ट करेंगे। और उसके बाद में एक और चीज़ है, VS कोड भी हमको चाहिए, यानी हमारा कोड एडिटर रहेगा VS कोड। आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन तो जावास्क्रिप्ट के साथ में VS कोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इवन नोटपैड प्लस प्लस में भी आप जो है इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप VS कोड यूज़ करेंगे तो अच्छा खासा इंटेलिजेंस इसके अंदर मिल जाता है, और काफ़ी टाइम आपका इसमें बच जाता है। सो मेक श्योर इसको डाउनलोड करें, सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, मैक, विंडोज़, लिनक्स, तो यहाँ से आप क्या करें, इसको इंस्टॉल करें, और इसमें भी कौन से एक्सटेंशन यूज़ करना है तो आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, उसमें पहले एक फाइल देख लेंगे, नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके बाद में फिर मैं सारा सेटअप बता दूंगा, मैं कौन से एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, और थोड़े बहुत कॉन्फिग्रेशन भी बता दूंगा, जिससे आपको कोड लिखने में आसानी होगी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले शुरू आपको Node.js को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में फिर हम एक्सप्रेस की मदद से REST APIs को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के लिए हम MongoDB डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, और कोई भी पैकेज को अगर हमको डाउनलोड करना है तो हम NPM.js पे इसको सर्च करके डाउनलोड करेंगे, और जितनी भी हमारी APIs क्रिएट होंगी उसको फिर हम पोस्टमैन टूल में जो है चेक करेंगे, यानी टेस्ट करना है हमको। उसके बाद में फिर हमारे प्रोजेक्ट को हम गिटहब पर डिप्लॉय करेंगे, और कोई भी फ्री होस्टिंग सर्वर पे इसको डिप्लॉय कर लेंगे।